जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 23 दिसंबर 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री प्लान और प्लस सब्सक्रिप्शन। तो चलिए यहाँ पर हम आपके लिए बता दें कि फ्री प्लान में क्या है। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्री प्लान की बात करें तो यहाँ पर आपकी 500 प्लस आपकी यहाँ पर फ्री लाइव क्लास है, और यहाँ पर डाउट क्लियर जो है सेशन भी आपका होता है। MP के टॉप एजुकेटर इसमें शामिल हैं, 50 MP के टॉप एजुकेटर हैं इसमें, जिनके माध्यम से आपकी डेली एंड वीकली लाइव फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, और आपका यहाँ पर एनालाइज भी बताया जाता है, और यहाँ पर आपकी जो इसमें ऑल डाउट क्लियर भी किए जाते हैं, और इसमें आपकी MP पुलिस और पुलिस कांस्टेबल और यहाँ पर MP जेल प्रेरी, MPSI और MPPSC की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर आपके जो है फ्री लाइव क्विज है, 20,000+ क्वेश्चन है जिसमें ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए जाती हैं। यहाँ पर आपकी एक T20 सीरीज भी होती है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में होते हैं, और यहाँ पर आपकी जो सीरीज होती है मंडे से सैटरडे शाम 8 बजे को 8 PM पर आपकी सीरीज होती है, और इसमें एनालिसिस भी बताया जाता है आपका। तो इन सभी का फायदा लेने के लिए आपको सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड याद रखना है। यहाँ पर फ्री रिवीजन कैंप भी चल रहा है MPGK और MP करंट अफेयर का, जिसमें MP के जो है 20 टॉप एजुकेटर हैं जिनके माध्यम से आपकी यहाँ पर लाइव क्लास होती है, और यहाँ पर 20 से 22 दिसंबर यह आपका जो है कैंप चल रहा है 20 से 22 दिसंबर तक। फिर यहाँ पर आपके लिए अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस किया जाता है, और इसमें आपके वीकली एंड जो है मॉक टेस्ट भी होते हैं, और 10 महीने का यहाँ पर आपका फाउंडेशन बैच कोर्स है जिसमें MPPSC प्री और मेंस की तैयारी करवाई जा रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं इसमें, और 2 साल का आपका यहाँ पर फाउंडेशन बैच है आपका जिसमें MPPSC प्री और मेंस की तैयारी करवाई जा रही है, और 120 दिन का भी आपका यहाँ पर टारगेट है MPPSC प्री और प्री का, और यहाँ पर आपकी जो है 3 महीने का जो है अदर बैच है जिसमें आपकी MP फॉरेस्ट सर्विस, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवाई जा रही है। यह आपका जो है प्लस सब्सक्रिप्शन में है, और इसमें आपके मध्य प्रदेश के यानी कि MP के टॉप 50 एजुकेटर हैं जिसके माध्यम से आपको डेली यहाँ पर लाइव क्लास होती है, और इनका जो है 8 साल तक का इनका अनुभव है। इसमें आपकी 2500 लाइव क्लास है जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट क्लियर किए जाएंगे, डाउट क्लियर किए जाएंगे, और यहाँ पर आपके 20,000+ मॉक डेली जो है मॉक टेस्ट होते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जिसमें ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है, तो वह कौन सा देश है, चीन है, भारत है, रूस है या नेपाल है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि चीन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जी हाँ, चीन आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटोंग में स्थित है। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा की है। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल और टेलीस्कोप जो है इसने साल 2016 में दुनिया में सबसे बड़े टेलीस्कोप के रूप में अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी को पछाड़ दिया था। और अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, तो वह राज्य बताना है यहाँ पर पंजाब है, कर्नाटक है, तेलंगाना है या दिल्ली है। तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना आपके यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देख लें, हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट के लिए देश में
इस प्रकार का दूसरा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तन पाए जाते हैं जिसमें लीमर, लॉरीज और टॉर्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य शामिल हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों को बर्मिन घोषित किया था। बर्मिन घोषित यहाँ पर इनको किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान विरासत की शुरुआत की है? तो यहाँ पर क्या है इसका सही आंसर, किस राज्य सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है? बिहार ने, तमिलनाडु ने, दिल्ली ने या उत्तर प्रदेश ने? उत्तर प्रदेश आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान जो है विरासत प्राकृतिक उत्तराधिकारी की शुरुआत की है। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का एक पहला अभियान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और भूमाफियों द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीण के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? तो आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगी प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। बैंक पर लगे प्रतिबंध अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतर्राज्यीय शहरी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, रियल स्टेट और डेवलपर HDIL को दिए लोन को छिपाने और उसका गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियामक प्रतिबंध लगा दिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाओं भी विकसित की जाएंगी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केरल स्थित द अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 50 लाख रुपए। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन को ऑपरेटिव और बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि RBI द्वारा 31 मार्च 2019 को की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी, जिससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अमेरिका विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान है, यह एक लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सम्मान स्वीकार किया। कांग्रेस द्वारा 20 जुलाई 1942 को लीन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है,
राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी 22 दिसंबर आपका सही आंसर है। भारतीय गणतज्ञ श्री निवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाती है। भारतीय गणतज्ञ श्री निवास रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को हुआ था और साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में गणित की महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न यह है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया था। क्या आंसर बताया था? कावेरी नदी आपका राइट आंसर है। कावेरी नदी बिल्कुल सही आंसर बताया था सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का चैलेंज प्रश्न कि क्या है आज का चैलेंज प्रश्न कि नासिक किस नदी के किनारे बसा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे बसा है। चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। आंसर अगर आपसे बनता है तो आपके लिए कमेंट में लिखना है, विस्तृत लिखना है ताकि आपका भी कमेंट अगले वीडियो में जो है शामिल किया जाएगा। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है ये आपके लिए आंसर बताना है। यहाँ पर आपका जो है 10 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स है एमपीपीएससी प्री और मेंस का, जिसमें आंसर राइटिंग सीरीज है। 22 दिसंबर से आपकी सीरीज चालू हो रही है और 3 घंटे का यहाँ पर आपकी डेमो क्लास भी है अन अकेडमी पर, वह भी आप देख लें। और इसके बाद यहाँ पर 10 महीने का जो फाउंडेशन बैच कोर्स है इसमें आपकी सभी विषय जो है इसमें कवर किए जाएंगे और यहाँ पर डेली वीकली मॉक टेस्ट भी होते हैं, क्विज होते हैं जिसमें ऑल डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं। यहाँ पर आपके नोट्स भी आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं हिंदी में और यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, एमपीजी के सभी जो सब्जेक्ट हैं कवर किए जाते हैं। एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एमपी के जो हैं टॉप एजुकेटर हैं। फिर यहाँ पर आपको एमपी लक्ष्य अपना एमपी जो है लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर का 3 महीने का यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स है एमपीएसआई। यहाँ पर देख लें जो लक्ष्य आपका है एमपी सब इंस्पेक्टर का वह स्टार्ट बैच आपका 21 दिसंबर से यानी कि आज से ही आपका स्टार्ट हो चुका है यह आपका बैच, जिसमें आपकी 3 घंटे की डेमो क्लास भी है और यहाँ पर इसमें ऑल सब्जेक्ट आपके क्लियर किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे और आपके नोट्स भी आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एमपीपीएस अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, फिर इसको आपको एमपीपीएससी व्यापम फिर प्लस सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ इसके बाद आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कोर्स है। आप जो भी कोर्स खरीदना चाहते हैं खरीदें और उसमें आपको 10% ऑफ में मिलेगा। सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड आपके लिए याद रखना है। और यहाँ पर आपको जो है जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं यहाँ पर आप बहुत सारी आपकी लाइव क्लास भी हैं, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बाद आपके यहाँ पर ऑल डाउट क्लियर किए जाते हैं, वीकली यहाँ पर कुछ भी आपके होते हैं। तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और यहां से आपके लिए यहीं पर पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल रहता है वह सभी आपके लिए कहां पर टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, यहीं पर आपके लिए पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल रहता है उपलब्ध कराया जाता है। और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।